शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें। किस्मत की लकीरों से, किस्मत की लकीरों से। मेरा बेटा है अभी। आप झूठ बोल रही है ना, आप झूठ बोल रही है ना, ऐसा नहीं हो सकता है। मेरे और अनु जी का बेटा है वो। दो महीने कोख में रखा, अपने खून से सींचा, उसकी जान कैसे ले सकती हूँ ना? मैं मेरे बेटे को चोट नहीं पहुंचा सकती। कितनी चोट लग गई है तुम्हें अब? ये भगवान, दर्द तो नहीं हो रहा है? मम्मी, छोटी सी चोट है, ऐसी चोट तो कितनी बार लगी है मुझे, पर पहले कभी आप ऐसे हड़बड़ाए नहीं है। आखिर हुआ क्या है? अच्छा, तुम्हें अब अपनी माँ का प्यार हड़बड़ाहट लग रहा है? अरे तुम्हारी एक छींक से हमारा दिल घबराने लगता है। तुम्हें पता है ना कि अब तुम्हें हर फिक्र याद दिलानी पड़ेगी। अब मम्मी, मैं तो बस इसीलिए पूछ रहा था, क्या आप इतना रो रही थी तो आखिर हुआ क्या है? पापा, चलिए आप ही बता दीजिए, आखिर बात क्या है? मम्मी ऐसा अजीब सा बर्ताव क्यों कर रही है? हाँ, मैं बात करता हूँ, तुम जल्दी से तुम जाओ। पापा, मेरे सामने बात करो। मैंने कहा ना बेटा, तुम जाओ, मैं बात करता हूँ। आखिर दोनों के बीच चल क्या रहा है? कोई मुझे कुछ बता भी नहीं रहा है। जी, अगर आप इस तरह से रोएंगी और ऐसे डरेंगी तो अभय के सवाल तो कभी खत्म ही नहीं होंगे ना। अनु जी, हम क्या करें, आप ही बताइए। अनु जी, वो औरत वापस हमारी जिंदगी में क्यों आई है? वो क्या चाहती है हमसे? तो सिर्फ इतना चाहती थी कि एक बार अपने बेटे को मिल लूं, अपने इस बुरे वक्त में अपने अच्छे दिनों की एक झलक देख लूं। पर देखो ना, किस्मत ने मुझे मेरे बेटे से मिला दिया। मेरा बेटा अबे। और देखो, किस्मत भी यही चाहती है कि मैं अपनी आखिरी सांस अपने बेटे के साथ बिताऊं। मुझे तभी मुक्ति मिलेगी। क्या ये गलत है? जन्म देने वाली माँ का हक नहीं अपने बेटे के साथ रहने का? उसका कोई हक नहीं बनता हमारे बेटे की तरफ आंख उठा के भी देखने का, जब उसने कभी हमारे बेटे के बारे में अच्छा सोचा ही नहीं। तो अब उसका हमारे बेटे के आसपास भी फटकने का सवाल ही नहीं उठता। पर अनुजी को गलत मत समझना, उनकी कोई गलती नहीं है और तनुजा की भी कोई गलती नहीं है। उसने देखे शोधा माँ की तरह पाला ना अभे को, किसी की भी कोई गलती नहीं है, बस हालात की गलती है। हालात तो नहीं मारा हुआ है। नहीं, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। ये क्या किया हमने? अपने इतने बड़े मौके पर हमने दरवाजा ही बंद कर दिया। ये तो इक्का है जो दीदू की हर बाजी को खराब कर देगा, उनके जीवन में दुख और दर्द के दरवाजे खोल देगा। और जितना हम अपनी बहन को जानते हैं, वो ये बात इस वक्त अभय को बिल्कुल नहीं बताएंगे। जिसे जन्म दिया उसकी जान लोगी क्या? मैं, मेरा खून है अभय, मेरा बेटा है। श्रद्धा, आंटी जी से बात हुई, क्या हुआ? अभय को मैं तब तक कुछ नहीं बता पाऊंगी
जब तक खुद मम्मी जी और पापा जी से बात नहीं कर लेती। श्रद्धा कहाँ खो गई? आंटी जी ने कुछ बताया कि नहीं? नहीं अभय, वो तो कुछ बताना ही नहीं चाहती है। नहीं कुछ नहीं कहा उन्होंने। मुझसे झूठ बोलना तुम्हारी फितरत में नहीं है शायद। कुछ तो है जो तुम मुझसे छुपा रही हो। आंटी जी आप छुपा नहीं सकती अपना दर्द। आपके चेहरे पे साफ पता चल रहा है कि आपने अपने जीवन में क्या कुछ नहीं सहा। और देखिए ना हमें, हम अपने गुस्से में आकर आपके मुंह पे दरवाजा बंद कर दिया। बहुत गलत किया हमने, अब हमें माफ कर दीजिए आंटी जी। हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, हम अपनी गलती सुधारना चाहते हैं। हम आपको घर के अंदर लेके चलेंगे, आप चलिए हमारे साथ। चलिए। नहीं बेटा उसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं यहीं ठीक हूँ। बस एक बार पता चल जाए कि अभय 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 से हम आपको मिलवाएंगे ना, आप बस चलिए हमारे साथ। चलिए। ये राज तो अब राज नहीं रह सकता दीदू। देखिए ना सच पता अभय को चलेगा और भुगतेंगी आप। पापा जी क्या हुआ? आप ठीक तो हैं? हे भगवान ये लीजिए। पापा जी आपको किचन में आने की क्या जरूरत थी? आपको चाय चाहिए थी तो आप मुझे बोल देते, मैं बना देती। देखिए अब कितना जल गया। मैं ठीक हूँ बेटा। वो तनुजा जी उस औरत को, मेरा मतलब दिव्यानी को देखकर थोड़ा परेशान हो गई थी तो मैंने सोचा तो उनको चाय बना के पिला देता हूँ। पापा जी एक बात पूछनी थी, आप उस औरत को मतलब दिव्यानी जी को कैसे जानते हैं? मैं सब जानती हूँ पापा जी। उन्होंने मुझे सब कुछ बता दिया है। पर पापा जी मैं ये सच सिर्फ आपके मुंह से सुनना चाहती। मुझे किसी और की बात पे भरोसा नहीं है, मुझे सिर्फ आप पे भरोसा है। और अगर आप मुझ पे भरोसा करते हैं तो आप मुझे ये बताइए सच क्या है? क्या रिश्ता था आपका दिव्यानी जी के साथ? अतीत है वो मेरा।
करोगी तुम हमारा? अपनी मनहूस शक्ल हमारे सामने लाके तुम्हें सीधी बात समझ में नहीं आती है क्या? हमने कहा ना हमारे घर से दूर रहो। सिर्फ तुमने हमें अपनी शक्ल दिखाई है ना तो क्या? देखिए ना, ये बार बार जाते जाते वापस आ जाती है। हमें तो लगता है चाची जी कि दीदू को ना आप लोगों का कोई बहुत बड़ा राज पता है, इसीलिए तो ये इतनी हिम्मत दिखा रही है। राज? ये तो क्या कह रही हो? कोई राज वास नहीं है। राज? अरे जब कोई ऐसी बात ही नहीं है तो किसी को कुछ नहीं पता है। पता तो हमें सब है चाची जी, और चाहे तो अभी के अभी बता के आपके पैरों तले बिछी हुई अहंकार की दरी खींच ले, पर अभी ज्यादा मजा ये देखने में ही है कि राज आप सब कब तक छुपा पाते हैं। तुम हमें ऐसे काहे घूर रही हो? अच्छा, तुम अपनी बहन की नाराजगी हम पे और हमारे परिवार पे निकाल रही हो ना? बहुत मजा आ रहा होगा ना तुम्हें ये सब तमाशा देखकर। अरे तुम भाड़ में जाओ। तमाशा तो अब शुरू होगा, हमारे सामने या हमारे बिना। और तुम, अरे तुम चाहती क्या हो? क्यों अपने मनहूस कदम हमारे घर में रखकर फिर से हमारे घर को उजाड़ना चाहती हो तुम? नहीं तनुजा, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं तो वो सिर्फ अभी को एक बार खबरदार जो तुमने अपने जुबान से हमारे बेटे का नाम लिया हो तो हम ये नहीं जानते कि तुम किस इरादे से हमारे घर में फिर से आई हो, लेकिन हम ये बात बहुत अच्छे से जानते हैं कि हम अपना घर फिर से नहीं टूटने देंगे। निकल जाओ यहाँ से और दूर रहो हमारे अभय से। तमाशा? और आपने जो किया वो क्या था, उसे क्या कहेंगे आप? जी सर, अभी शर्म नहीं आई आपको? नहीं पापा जी, एक बार आप मेरी बात सुननी चाहिए प्लीज। क्या सुनूं? अपने पापा की प्रेम कहानी, उन्हीं की जुबानी उस औरत के साथ, और क्या बच गया था मेरी जिंदगी को और बर्बाद करने के लिए? अबे प्लीज, अबे एक बार आप। नहीं श्रद्धा, मैं जानता हूं तुम्हारी इसमें कोई गलती नहीं है। तुम उस औरत पे तरस खाके उसे इस घर में लेकर आई थी, क्योंकि तब तुम नहीं जानती थी मेरे पापा का रंगीन अतीत, और अब तो तुमने सुन लिया ना उन्हीं के मुंह से, अब सुनने समझने को रह क्या गया है? बोलो श्रद्धा, अब तुम जानती हो ना पापा के अतीत के बारे में? बोलो तो। बस आज अभी इसी वक्त बिना कोई सवाल जवाब किए उस औरत को इस घर से निकाल के बाहर फेंको जिसने मेरी माँ को इतना दुख पहुंचाया। अबे आप प्लीज शांत हो जाइए। देखिए इस वक्त उनकी हालत सचमुच बहुत खराब है। मैं आपसे विनती करती हूँ, बस कुछ दिनों के लिए उन्हें यहाँ पे रहने दीजिए, उनकी हालत बिल्कुल ठीक नहीं है। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? वो औरत जिसने मेरी माँ को इतना रुलाया,
तुम उसे इस घर में रखने की बात कर रही हो? मैं आपकी बात समझती हूँ, पर आप नहीं श्रद्धा। जिंदगी भर ना लोगों की भलाई कर करके, उनके लिए अच्छाई कर करके हमने सिर्फ धोखे खाए हैं। तुम नहीं समझी तो ठीक है, फिर तुम नहीं निकाल सकती ना उन्हें इस घर से बाहर, तो मैं निकालूंगा। मैं उन्हें अपनी माँ के घर में नहीं रहने दूंगा, एक सेकंड भी नहीं बर्दाश्त करूंगा। 35 साल पहले भी तुमने हमें बर्बाद करने की कोशिश की थी, और 35 साल बाद भी तुम उसी इरादे से आई हो ना? धक्के मार के बाहर निकालूंगा इस घर से, मैं नहीं छोड़ूंगा। मार देंगे हम तुम्हें अगर तुमने हमारे परिवार को एक बार फिर तोड़ने की कोशिश भी की। अरे एक बार फिर हम तुम्हें अपनी जिंदगी उथल पुथल करने नहीं देंगे, सुना तुमने? तनुजा, तो मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है, मैं तो सिर्फ अभी आपके इरादे यहाँ किसी को नहीं सुनने हैं, चुप हो जाओ। ये घर मेरी माँ का है, पर अगर मेरी माँ किसी को भी इस घर में बर्दाश्त नहीं कर सकती है, तो मेरे रहते में उसको एक सेकंड भी इस घर में नहीं रहने दूंगा। आज के बाद अपना चेहरा हमें कभी मत दिखाना। भैया क्या कर रहे हैं आप? छोड़िए, डॉक्टर ने कहा है ना इनकी तबीयत ठीक नहीं है, अभी भी इनके शरीर से कमजोरी नहीं गई है। अब श्रद्धा कमजोर तो इसकी कहानियां है जो सुना सुना कर ये सबसे हमदर्दी लेती फिरती है। इसकी आदत है नाटक करने की, क्यों तुम इसके नाटक में फंस रही हो? ये औरत चलती फिरती धोखे की दुकान है। लेकिन बुआ जी, मैंने डॉक्टर से खुद बात की है। तो डॉक्टर ने क्या बताया आपको? सारा सच और झूठ बताया। और हमें एक बात समझ नहीं आ रही दीदू, इस अजनबी औरत के लिए आप अपनी सासू माँ को तकलीफ दे रही हैं? जब तुझे पूरी बात नहीं पता है कीर्ति, तो बीच में मत बोल। क्या गलत पूछा कीर्ति ने? जब से ये औरत इस घर में आई है, मेरी माँ का रो रो के हाल बुरा है, वो तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है? हाँ बस, इस औरत की तबीयत की बहुत चिंता है तुम्हें। हम कह रहे हैं ना, इसी ने कान भरे होंगे हमारी बोली श्रद्धा के। अगर ऐसा है ना, इसकी बातों में आके श्रद्धा सुनी सुनाई बातों में विश्वास कर रही है, तो अब तो कतई नहीं रहने दूंगा इसे घर में। अबे छोड़िए, अबे क्या कर रहे हैं आप? छोड़िए, मर जाएंगी ये। अरे मर जाने दो मैं। तुमने फिर हमारे घर में कदम रखा ना, रुको, हम ना पुलिस को कवर कर देंगे, छोड़ेंगे नहीं तुमको। नहीं अबे, मैं आपको इन्हें ले जाने नहीं दूंगी। श्रद्धा, सच जानने के बाद भी तुम मुझे रोक भी कैसे सकती हो? आपने जो सुना है ना, वो पूरा सच नहीं है। और इन्हें छोड़िए, लग जाएगी इन्हें। हटो पीछे। नहीं अबे, मैं आपको इन्हें कहीं ले जाने नहीं दूंगी, छोड़िए अबे। मेरे पापा का नाजायज संबंध था इस औरत के साथ, और तुम चाहती हो इस गिरी हुई औरत को मैं अपने घर में रखूं? अभय! श्रद्धा, अभी मैं बहुत गुस्से में, तुम चुपचाप पीछे हट जाओ। हटो पीछे! अगर तुम्हें मरना ही है ना, तो मेरे घर की चौखट के बाहर जाके मरो।
अपने गंदे कदम मेरे घर मेरे परिवार से दूर रखो। रुक जाइए अभय, वो आपकी माँ है। जन्म दिया है अभय, ये औरत आपकी मां है। बहुत गलत किया आपने इस घर में वापस आकर। एक माँ अपने बेटे को छोड़ के कैसे जा सकती है? मुझसे उम्मीद भी मत रखना कि मैं आपको अपनी माँ का दर्जा दूंगा। आप जैसी औरत के साथ एक कमरे में रहना भी मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। खत्म करिए अपना ये तमाशा और दूर रहिए मुझसे। मेरे मुंह से माँ शब्द आप कभी नहीं सुनेंगे। आप मेरी माँ नहीं है। अकेला रहना ही आपकी सजा है। किस्मत से टकराती उलझी लकीरों को सुलझाती श्रद्धा की कहानी देखने के लिए अभी अपने टीवी पर लगाइए शिमारू उमंग।